आदाब आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मैं रेणु भट्ट इस लाइव इंटरक्टिव फ़ोन इन सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं नवी तलबा के तालिबात के लिए और आज का हमारा मौजू रहेगा एक नज़म है एक आरजू यह हमारा आज की नज़म का मौजू है और इस पर आपको तफसील से मालूम फ्राहम कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट चलिए उनसे मुलाकात करते हैं आप हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजामुद्दीन आप डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस एन सी ई आर टी से हैं सर आपका बहुत बहुत इस्तबाल है बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका भी इस्ताल है इस प्रोग्राम में जी -oh सभी तलबा तालिबात और नाजरन से हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ पर अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप अपने सभी सवाल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं और हमारे पास पहुंचा सकते हैं आप हमें करेंगे कॉल हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई हमें इंतजार रहेगा आपके सभी सवालों का और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें एक बहुत जरूरी सूचना आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वी आर इंडीड वेरी प्राउड एट इंडिया जूमड जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन दी ट्वेंटी लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all.

बच्चों जैसा कि आपको इतला दी गई मालूम फराहम की गई कि आज के जो हमारा टॉपिक है उसका है एक ये येमे अकबाल की मशहूर नजम सी आई टी की नवी जमात की किताब नवाय उर्दू में शामिल है आपने इसके पहले भी इस सबक को पढ़ा होगा इस सब को पढ़ चुके होंगे या किी तौर पर मताल किया होगा और जैसा कि हम जानते हैं कि एक आर्ज़ू आरजू सभी के दिल में होती है ख्वाहिश होती है कुछ तमन्ना होती है हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता है और करता है और किसी हद तक वो कामयाब भी होता है तो इसी तरह शायर के दिल में भी एक आर्जू है लेकिन जो ज़रूरी नहीं कि जो शायर के दिल की आर्जू है वही हमारे दिल में भी इस वक्त हो लेकिन चूंकि शायर का इमेजिनेशन बहुत बड़ा होता है उसका मत मह नज़र बड़ा होता है वह आम चीज़ों को आम सतह से बुलंद होकर देखता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी नज़र या हमारा ख्याल जहाँ तक नहीं पहुँचता वहाँ शायर का जहन फ़ौर पहुँच जाता है तो आइए आज इस नद्ब के से पढ़ने के पहले इकबाल के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि इकबाल ने ये किस किस तरह से कौन कौन से कलाम लिखे हैं और उनकी क्या पूरी शायरी में उनकी क्या अहमियत है अलामा इकबाल जैसा कि हमें मालूम है कि वो उनकी पैदाइश अट्ठारह सत्तो सतहत्तर में नौ नवंबर नौ को सियालकोट पंजाब में हुई थी और उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद थे था वो बहुत दीनदार आदमी थे तसवफ की तरफ मायल थे ज़्यादा तालीम याफ्तर तो नहीं थे लेकिन तालीम का शौक़ रखते थे यही वजह है कि अपने बेटों की तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ है इकबाल की नसीब को वह अक्सर नसीहत किया करते थे और खासतौर से कलाम पाक के हवाले से कि कलाम पाक को इस तरह समझ कर पढ़िए कि ये आप पर ही उतरा है और वालद की इस नसीहत का उन पर बहुत असर हुआ था उनकी तरबियत में और उनकी वालदा की भी बहुत बड़ा हाथ है मुल्क मिलत से मोहब्बत और ख़दमत का जज्बा पैदा करने में उनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है इसी तरह उनके बड़े भाई जो इकबाल से चौदह बरस बड़े थे शेख खता मोहम्मद वह उनकी तालीम में उनको बहुत सारा दिया और आगे बढ़ाने में वो हर वक्त मदद करते रहे उन्नीस सौ इक्यावे अठारह सौ इक्यानवे में मिडल पास किया और अठारह सौ तिरानवे में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया इसी तरह अठारह सौ पंचानवे में मजीद तालीम के लिए लाहौर गए अठारह सौ निन्यानवे में फ़िलासफी में एम ए किया और उस वक्त वहाँ जो है उसके बाद फलसफे में लेक्चरर हो गए अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर की बहुत बड़ी अंजुमन थी अक्सर वहाँ जल हुआ करते थे मुशायरे भी हुआ करते थे लामा इकबाल उसमें भी शिरकत करते थे उस वक्त फलसफे के मशहूर प्रोफेसर थे आर्नल्ड अल्सम वो तो फलसफे के उसताद थे लामा अकबाल के उन्होंने ल्लाबाल की प्यास को फलसफे के लिए और मजीद बढ़ा दी और उसमें असत पैदा कर दी दूसरे इन इनके उसद है ग़लाम हसन थे जिनसे इन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की उसताद सैद मीर हसन से उर्दू फारसी अरबी अदब की तालीम हासिल की सितम्बर उन्नीस सौ पाँच में अलाम अकबाल इंग्लिश रवाना हुए महा ईरान में माबाद तबियात के इरतक पर उन्होंने पी एच डी की डिग्री हासिल की और उन्नीस सौ सात में लंदन में वकालत का इम्तहान पास किया बरिस्टर अखला बने जुलाई उन्नीस सौ अट्ठानवे आठ जुलाई जुलाई उन्नीस सौ आठ में वापस वतन हिंदुस्तान आ गए उन्नीस में उनको उनकी जो मजमू खदमात थी अंग्रेज़ों की तरफ से हुकूमत बरतानिया की तरफ से उन्हें सर का खिताब दिया गया उस वक्त हुकूमत बरतानिया या आम तर तरफ से हुकूमत हुकु, हिंद की तरफ से भी खिताबात देने का एक आम रिवाज था तो उस वक्त अकबाल को सर का खिताब दिया गया तजवीज़ पेश की गई तो वो अकबाल ने इस खिताब को लेने से इसलिए मना कर दिया कि सब पर उनको इकबाल खिताब देने से पहले उनके उस्ताद को खिताब दिया जाए उनको जो अकबाल मीर सैद मीर हसन थे तो उनके जो ख़िताब देने वालों ने अंग्रेज़ों ने पूछा कि भाई उनकी कोई किताब हो तो बताइए अकबाल ने कहा कि उनकी मैं ज़िंदा किताब हूँ और उन्होंने जो आज जो कुछ मैं हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ तो लिहाजा उनके उस्ताद को सबसे पहले शमशुलमा का खिताब दिया गया उसके बाद अकबाल ने सर का खिताब कबूल किया अलामा अकबाल ने शागिरदे शायरी में दे, दाग दहलवी की शागर्दी अख्तियार की यह अट्ठारह सौ चौरानवे में वाक़ है और यह अजीब बात है कि दाग दहलवी उस वक्त हैदराबाद में थे ख़त व किताबत के जरिए असलाह लेते थे और एक वक्त ऐसा आया कि दाग दहलवी ने नेकबाल को असलाह देने से ये कहकर मना कर दिया कि आपके कलाम को अलाह की ज़रूरत नहीं है इस तरह इकबाल की बहुत सी खूबियाँ हैं इकबाल ने अब इब्ता में कला में बच्चों की शायरी पर बहुत तवज्जो दी उनके चाहे मंजर निगारी बहुत है कौम उबुलवतनी का जज्बा भी बहुत है कौमी दर्द भी है और ख़ासतौर से मंजर निगारी की तरफ भी तवज्जो की तो उनके यहाँ अगर हम मजमू तौर तो पर बंगद दरा की जो नदमी है उनका हम मताल करें तो इकबाल शुरू शुरू में उब्बुलवतनी की तरफ माइल थे एक कौमी दर्द था उनके अंदर तो इस समय हम देखते हैं कि इनके अखबार में बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखी है तकरीबन ग्यारह बारह नजमें हैं और सबके सब ये नजमें हकायती है हैं शुदा हैं अंग्रेज़ी अदब के रोमांचस में भी उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है उस वक्त अंग्रेज़ी अदब का बहुत चर्चा था और उसमें खासो उस रोमांचिस भी आती मंतर निगारी की तरफ लोगों की तवज्जो थी और उस मंर निगारी के हवाले से जो है लोग अपनी मनाते थे जो है शायरी करते थे तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके हम आ, नेचर का बहुत गहरा लगाव था इकबाल को नेचर से बहुत गहरा लगाव था और नेचर के वसीले से उनके यहाँ जद्बा निगारी बहुत अहमियत रखती है जदब्बा निगारी पुनः ने समझों तो की नेचर को वसीला बनाया जिसमें जो है आप देखिए चरंद है परिंद है पहाड़ हैं दरिया है झरना है, है नदी है जंगल है फल फूल वगैरह यानी जितने भी आस पास के हमारा ये माहौल है उनकी शायरी को जब हम बगौर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें न सिर्फ उनकी शायरी में को सहारा देती हैं बल्कि इनके ज़रिए वो अपनी बात आवाम तक पहुँचाने की कोशिश है उन्होंने इसके साथ साथ मजाहर फितरत के हेवानों का भी सहारा लिया है अगर हम उनकी नजमों को बाकायदा पढ़ें तो उनके यहाँ जानवरों से को अपने कला में बहुत जगह दी है बकड़ा भी है मक्खी भी है गिलहरी भी है पहाड़ भी है यानी जानदार गैर जानदार दोनों को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी है और बच्चों की तरव इसके हवाले से बच्चों की तरबियत और परवरिश पर बहुत तोज् दी है कि वह बासूल ज़िंदगी गुजारें उनकी पूरी शायरी अगर हम देखें तो एक प्यामी शायरी है उनका मतमेह नजर यह था कि बच्चों को एक ऐसे माशरे के लिए तैयार किया जाए कि वह आगे चलकर कौम और मुल्क के, के लिए एक सहारा बने उसकी बेहतरी और को की असलाह कर सकें उसकी बेहतरी में पैदा करता उसमें कर सकें उसमें असलाह कर सकें तो लिहाजा उनका नजरिया यह था कि फ़र्ज और माशरे की असलाह होनी चाहिए उनकी पूरी शायरी इसी जद्बे के तहत घूमती है लिहाजा शुरू से हीबाल ने अपनी शायरी में तरबियती निगाह डाली है फलसफा ख़ुद उनका ख़ास नजरिया है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं है इस पर अलग से बात हो सकती है लेकिन अल्लामा अकबाल ने इस बात पर ज़रूर जोर दिया है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए हम जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं उस वक्त तक हम माशरे में समाज में कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकते उन्होंने इसी वजह से उन्होंने खुद ही और खुद ही पर बहुत ज़ोर दिया है और सबसे अहम चीज़ा अकबाल के यहाँ हरकत अमल का एक पहलू है या इसलिए इंसानी हरकत में कहते हैं कि हरकत में बरकत है तो उन्होंने हरकत पर ज़्यादा जोर दिया है सिर्फ़ उन्होंने ख्याली शायरी नहीं पेश की है बल्कि नई नस्ल को कौम को और एक पैगाम दिया है कि जब तक हमारे अंदर सही तर्ज फिक्र नहीं होगी सही अमल नहीं होगा उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते अकबाल के अगर हम फ़न के लिहाज से बात करें तो उन्होंने उन्हों मकालमों पर बहुत जोर दिया है यानी डायलाग पर बहुत जोर दिया है यह डायलाग दो तो इंसानों के बीच में है और मख्तल जानवरों के भी बीच में है इंसान से इंसान का मकालमा है उनके यहाँ इंसान का जानदार से मकालमा है इंसान का गैर जानदारों से मकालमा है कि वो खुदा से भी हम कलामी का शरफ हासिल करते हैं और शायरी की तीसरी आवाज़ पर जोर दिया है उनके यहाँ तीसरी आवाज़ हम तौर तो पर कहते हैं कि बहुत शायरी इतना जिस पे हम अपनी बात बरह रास्त ना पहुँचा कर बल्कि किसी ऐसे किरदार को जरिया बनाते हैं जो हमारी बात को दूसरों तक आसानी से पहुँचा दे इससे वो बातें भी पुरसर होती हैं और उनकी शायरी में एक ड्रामाई भी पैदा होती है बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी नदमें कही हैं जैसे बच्चे की दुआ है, हमदर्दी है परिंदे की फरियाद है तरण हिंदी है एक पहाड़ और गिलहरी एक गाय और बकरी शहद की मक्खी जुगनू हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत नया शिवाला वगैरह इन नजमों पर हम नज़र डालते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये नजमें बच्चों की तरबियत के लिए बहुत अहम हैं और बच्चों को किस तरह से हम एक फ़ाल माशरे के लिए तैयार कर सकते हैं वो इन नजमों का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है उनके अखलाक की किस तरह हम तरबियत कर सकते हैं उनके अंदर हम किस तरह से अकदार कोई बलूस को इनकल कै कर सकते हैं ये सारी चीज़ें उनके यहाँ मौजूद हैं अगर लामा इकबाल के यहाँ उनका एक कलियात अकबाल उर्दू में है जिसमें उनके चार शहरी मजमूे शामिल हैं बंग दरा बाल जबरील ज़रब कलीम अरमगान एजाज ये आखिरी जो मजमू है अरमुगान एजाज इसमें उनका उर्दू और फारसी दोनों कलाम मौजूद हैं इसके अलावा फारसी में उनकी तीन किताबें दस्याब हैं इसरार खुदी रमो जब खुदी और पयामि मशरक़ <coughs> आ, इसके बाद नर्म की तरफ आते हैं नजम का जाहिर सी बात है कि आपने पहले भी पढ़ लिया होगा कि नरम का एक खास तस्वूर है और नदम की आमतौर पर चार किस्में होती हैं पाबंद नजम है, है आज़ाद नजम है मुर्रा नजम है और नसरी नजम यहाँ इसकी तफसीर में जाने का मौका नहीं है कि इससे पहले भी इन पर गुफ्तु हो चुकी है लेकिन अगर हम इस हवाले से देखें कि अब एक आरजू एक आरजू उन्नीस सौ तो चार के आसपास की तख्लीकर्दा नजम है और यह एक पाबंद नजम है जो गज़ल की हाइत में है यह आमतौर पर यह बयानिया अंदाज़ इसमें किया गया है और मंजर निगारी का बेहतरीन नमूना इस में हमें देखने को मिलता है शायर के अंदर एक कश जो हम इस नदम को पढ़ते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि शायर के अंदर एक कश्मकश है जो उनकी आरजू और ख्वाहिहश में तब्दील होती नजर आती है इसी आरजू और ख्वाहिहश को पुल्फ अंदाज में मंदर निगारी का सहारा लेकर उन्होंने पेश किया है उनकी दीगर नजमों में भी यह कैफियत देखने को मिलती है वह अपनी नजमों में मजाहर फितरत से भी काम लेते हैं इस नद में भी इसकी फ़रावानी है में मुख्तलिफ किस्म के पैकर यानी इमेजरी को पेश किया है वह अपने पैगाम के लिए बरह रास्त नसीहत नहीं करते बल्कि बल्कि बिरवास्ता तौर तो पर मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं और अगर ये देखा जाए तो आइए सबसे पहले हम इस नत्म की एक कैरत करते हैं नजम को किसी भी नजम को समझने के लिए उसको सही तरीके से पढ़ना चाहे वो नस् हो या नत्म हो सही तरीके से पढ़ने का अमल जब तक नहीं होगा हम उस वक्त तक उसके सही मसूम तक हमारी रसाई नहीं हो सकती तो सबसे पहले आइए इस नतम पर एक तैयाराना निगाह डालते हैं एक बार इसको पढ़ते हैं पढ़ने के बाद इसके एक एक शेर पर गौर करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक आर्जू के ज़रिए अपनी बात आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है कुछ इस तरह शुरू होती है दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ रब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो शोरश से भागता हूँ दिल ढूँघता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो मरता हूँ खामोशी पर यह आरजू है मेरी दामन में को हो के एक छोटा सा झोपड़ा हो आज़ाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूँ दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चय चहों में चश्मे की शोरिशों में बाजा सब रहा हो गुल कली चीटक टक्कर पैगाम दे किसी का सागर ज़रा सो गोया मुझको जहाँ नुमा हो हो हाथ का सिराना सब्जा का हो बिछोना शर्माए से जलवत खलवत में बो अदा हो मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो सब बांध दोनों जानब बूटे हरे हरे हो नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्ज़ा फिर फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो पानी को छू रही हो झुकझुक के गुल की टहनी जैसे हसीन कोई आईना देखता हो मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को सुरखे लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो रातों को चलने वाले रह जाए थक के जिस दम उम्मीद उनकी मेरा उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे जब आसमां पे भरसू बादल घिरा हुआ हो पिछले पहर के कोयल वो सुबह की मौजिन मैं उसका हमनवाह हूँ वो मेरी हमनवा हो कानों पे होने मेरे दैरो हरम का एहसास रोज़न ही झोपड़ी का मुझको शहर नमा हो फूलों को आए जदम शबनम वजू कराने रोना मेरा वजू हो नाला मेरी दुआ हो पिछले पहर के कोयल वो सुबह की मोज फूलों को आए जिदम शबनम वजू कराने रोना मेरा वजू हो नाला मेरी दुआ हो इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दें तो नजम यहाँ ख़त्म हो जाती है आइए इस नजम पर एक बार फिर गौर करते हैं कि इसमें जो ख़ूबी है उसके एक एक शेर पर हम नजर डालते हैं और पढ़ते हैं कि शायर के दिल में जो आरजू पैदा हुई जो ख्वाहिश पैदा हुई है वो कहाँ तक ले जाती है और किस तरह वो अपनी ऐसी ख्वाहिश को अपनी ज़ा तमन्ना को आरजू को वो दूसरों तक मुंतकिल करना चाहता है तो पहला शेर अगर हम देखते हैं कि दुनिया से महफ़िलों को मैं दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यार तो आमतौर तो पर यहाँ दुनिया की महफिल से मुराद दुनिया के हंगामे हैं शोरगुल है, है भीड़ भाड़ है जो कुछ दुनिया में रौनक है उसकी तरफ इशारा कि अब मेरा शायर यह कहना चाहता है कि अब मेरा दिल इस दुनिया की तरफ नहीं लग लग रहा है मैं उगता गया हूँ मैं इससे बेजार हो गया हूँ इसकी दो वजह हो सकती है एक तो यह कि जो कुछ हो रहा है वह हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है या दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जो कुछ हम शुरू से बचपन से देख रहे हैं दुनिया उसी तरह जुल फरेब धोखा धड़ी ये सब जो है उसी में मुबला है और और इससे हमारी आर्जू हमारी हमारा दिल अब बेचैन हो गया उगता गया है यहाँ शायर ने अपनी मायूसी की इंतहा का इजहार किया है यानी दुनिया की महफिलों से कौन उगता है हर शख्स चाहता है कि दुनिया से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वास्ता रहें हम ज्यादा दिनों तक जिंदा रहें जीते रहें उससे वाबस्ता रहें उसके जो है उसके जो भी उसमें खूबियाँ हैं उससे हम इस्ता करते रहें फ़ायदा हासिल करते रहें लेकिन शायर का यहाँ मत महन कुछ ये कि वो कहता है कि दुनिया से महफिल दुनिया की महफ़िलों से अब मैं उगता गया हूँ घबरा गया हूँ क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हूँ यानी अब यह लुत्फ अंजुमन दुनिया की जो महफिल है रौनक उस अंजुमन का कोई लुत्फ ही नहीं इसलिए कि लुत्फ और मज़ा तो उस वक्त होता है जब हमारे दिल के अंदर की दुनिया हमारे दिल की दुनिया आबाद हो हमारा दिल अच्छा चाहे तो उस वक्त हम बेहतर नजर आएगा लेकिन जब दिल ही बुझ जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे बाहर की दुनिया कितनी अच्छी हो कितनी भी पुर्फज़ा हो कितनी भी रौनक हो वो सारी की सारी बेकार है यहाँ शायर ने एक खाली ियत को अपने दाखिलियत से जो है मुकाबला किया है यानी जो कुछ हमारे बाहर की दुनिया है उसको हम खारियत से मंसूब करते हैं और जो कुछ हमारे दिल की दुनिया में आबाद है दिल में आबाद है वो दाखिलियत है तो अब शायर के दाखिली ज़िंदगी जो है कुछ और है और बाहर की जो ख़ारजी ज़िंदगी है वो कुछ और है दोनों में एक कश्मकश नज़र आती है दोनों में एक तस्दम नज़र आता है और इसी वजह से शायर उससे उगता गया है शोर से भागता हूँ दिल ढोंगता है मेरा शोरश से भागता हूँ दिल ढूँगता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फदा हूँ शोरश कहते हैं हंगामा को दुनिया के हंगामों से तो मैं भागता हूँ कहीं नहीं जहाँ भी हंगामा होता है रहता है इस तरह से हंगामों तो, से यानी शोरगुल से अब मैं पनाह मांगता हूँ वहाँ से भागता हूँ अब मेरा दिल ढूंकता है क्या ढूँगता है ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फदा होकूत कहते हैं खामोशी को यानी ऐसी खामोशी चाहता है जहाँ पर सारम कितने उसमें शोरगुल हो जितना वो सारे उस पर कुर्बान हो जाए मरता हूँ खामोशी पर पर ये आरजू है मेरी दामन में कोहो के एक छोटा सा झोपड़ा हो इस इस, इसी वजह से कहता है शायद कि मैं इस खामोशी पर आर्जू मेरी यह है कि मरता हूँ खामोशी पर अब खामोशी पर मरना कुर्बान जाना जान देना यहाँ भी देखिए मुहावरों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है पूरी नदम में तश्बी इस भी है मंजर निगारी भी है पहकर तराशी भी है मुहावरे भी इस्तेमाल किए गए मरता हूँ खामोशी पर यह आर्जू है मेरी यानी मैं उस खामोशी पर मरता हूँ कि जिसमें दामन में को के एक छोटा सा झोपड़ा हो अब दुनिया मैं कनारा अख्तियार करना चाहता हूँ पहाड़ को दामन कहते हैं उसका निचला हिस्सा तो दामन के कोह में पहाड़ के निचले हिस्से में दामन में मेरा भी एक छोटा तो झोपड़ा हूँ जहाँ मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ आज़ाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूँ आज़ाद फिक्र यानी तमाम फिक्रों से आजाद हो जाऊँ तमाम ख्याल से आज़ाद हो जाऊँ अब मैं चाहता हूँ किजलत में दिन गुजारूँ यानी तन्हाई में दिन गुजारूँ उजलत कहते हैं तन्हाई को दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो अब मेरे दिल से जो है दुनिया जितना भी गम है दुनिया का वो उसका कांटा जो है निकल गया और यहाँ भी देखिए कांटा निकलना यहाँ भी मुहावरे का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत हुआ है शायर के दिल में जो दुनिया को तकलीफ पहुँची है उसके दिल को अब वो चाहता है कि उसके दिल से वो तमाम कांटे निकल जाए और वह आफियत महसूस करें लज्जत सरोत की हो चिड़ियों के चह चहों में चश्मे की शोर शो में बाजा सा बज रहा हो सरोत कहते हैं गाने को नग़मे को और चिड़ियों का चहचाह तो आप जानते हैं कि जब चिड़िया चहचहाती है तो उसमें भी एक नगमगी पैदा होती है गाना होता है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है कोई भी चिड़िया हो तो शायर यही कहना चाहता है कि मैं जहाँ कर रहूँ झोपड़ा जाओ वहाँ अगर चिड़ियों के चेचे हो तो उसमें एक मुझे गाने और नगमकी का एहसास हो और चश्मे के शोर शोर में बाजा समझ रहा हो चश्मा कहते हैं आप शायर को झरने को पानी जब ऊपर से नीचे आता है आपने देखा होगा और जब वो पूरी एक रवानी के साथ ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आया रुक गया फिर आया फिर चल चला। बल्कि एक रवानी से तसलसल के साथ जब आता है तो उसमें भी एक नगमगी होती है एक बाजा सा बज रहा है और अगर वो पत्थर पर गिर रहा है या कहीं और गिर रहा है तो गिरने के बाद जो आवाज़ आती है वो उस आवाज़ का शायर मतमनी है कि मैं चश्मे की शोरिशों में मगर हो तो वहाँ एक बाजा सा मुझे महसूस मैंने मैं उससे जो है लुत्फ़ हासिल करूँ उससे लुफानंदोज़ हूँ गुल के कले छिटक कर पैगाम दे किसी का सागर जरा सो गोया मुझको जहां नमा हो तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरी शायरी में पूरी नज़म में शायर ने तेरह आशार तक उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की मंजर निगारी से काम लिया है और आखिर के केशार में उन्होंने ए, कुछ इस तरह की बातें की है कि लगता है कि पिछले कानों पे मैं रहो दे हरम का है न एहसान रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहन नमा हो यानी कहते हैं कि मेरे कानों पर न तो किसी बुतखाने का एहसान हो न किसी मस्जिद का ना मंदिर का एहसान हो बता दे रोजन ही पोपड़ी का मुझको सनहरी मेरी जो कुटिया में जो रोज़न है जो सुराख़ है वहाँ से मुझको जो सुबह की जो किरण आ रही मेरे लिए वही ये उसी का एहसान मानता हूँ कि उसी से मेरे वक्त का तयन होता है कि शुभ हो गई और आखिरी शेर में शायर ने जो बात कही हम देखते हैं कि इस खामोशी में जाए इतने बुलंद नाले तारों के काफिलों को मेरी सजा दरा हो और ये सब आरजू करते करते अब शायर कहता है कि इस खामोशी तो है इतनी लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें इतना बुलंद नाला हो जाए कि न वो तो सिर्फ ज़मीन पर उसका असर हो बल्कि वो काफ़िले तारों के काफिले को भी एक मेरी सदा दरा हो सदा कहते हैं आवास को दरा माने घंटा यानी काफिला जब कोच करता है तो वहाँ घंटा बजा बजाया जाता है ताकि अगर कुछ लोग काफ़िले से अलग हो गए हों तो आकर काफिले में शामिल हो जाए अब इस शहर का इस धर्म का आखिरी शेर देखिए हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दें यानी ये आर्जू के ज़रिए मेरा मैं तो यह आर्जू कर ही रहा हूँ और मेरा दर्दमंद दिल यानी दुखी दिल तकलीफ़ वाला दिल दर्दमंद उसको कहते हैं किसी को देख कर दुख में किसी से कहा कोई तकलीफ हो तो हम भी उसी तकलीफ़ को महसूस करें उसी दर्द को महसूस करें तो उसको दर्दमंद कहते हैं हर दर्दमन दिल को रोना मेरा रुला दे बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दें शायद इस नर के हवाले से ये कहना चाहता है जो कुछ मैं नाला कर रहा हूँ जो कुछ मैंने कहा अब तक जो है और अगर मैं रो रहा तो मेरा रोना दूसरों को भी रुला दे दूसरे भी वही कैफियत महसूस करें ताकि जो है जो जो बेहोश पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे यहां बेहोश से मुराद सिर्फ बेहोश ऐसे लोग जो होश नहीं है बल्कि बेहोश से वो मुराद जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं अपनी जिंदगी कोई मकसद नहीं समझ पा रहे हैं एक बा मकसद नहीं जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो जो गफलत वालों को होश में आ जाए जिंदगी का मकसद समझे और किस तरह जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है उसकी तरफ ये इशारा है तो इस तरह हम देखते हैं कि यह नजम पूरी नतम सिर्फ इकबाल की आवाज़ नहीं है बल्कि एक पूरी नस्ल की आवाज़ है यह आरजू को उन्होंने एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है इसी अलामत के जरिए इकबाल ने अपने ख्याल जज्बात और एहसास को मौसर तरीके से पेश किया है इस नजम के जरिए इकबाल ने इंसान को कुछ कर गुजरने के लिए आमादा करना चाह है इस मकसद का इजहार नजम के आखिरी शेर में देखने को मिलता है यानी एक आरजू मुख्तलफ करवक्ट पहलू बदलते हुए किस तरह अपना सफ़र पूरा करती है और आखिर में बा मकसद पैगाम पर ख़त्म होती है यही इनफरादियत अपनी ज़ात से जो आर्जू शुरू होती है उसका खात्मा इज्तमीत पर होता है इसमें मकसद और पैगाम का आफाकी तस्वर है और इस आर्जू के ज़रिए इस नर्म के ज़रिए इकबाल ने न सिर्फ ख़ुद को बल्कि पूरे माशरे को पूरी दुनिया को पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से बाहर भी इस आवाज़ को एक आफाकी तस्वर एक आम बात उन्होंने कहने की कोशिश की है तो ये तो बात हुई इस नजम की जो हम आप सभी के लिए लेकर आए नवी जमात के तलबा तलबात अभी आप सुन रहे थे एक नज़म एक आरिस और हमारे एक्सपर्ट ने यानी कि मुजामुद्दीन सर ने बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको बताया इस नजम के बारे में ना केवल नज़म के बारे में बल्कि नज्म के शायर अल्लामा इकबाल के बारे में भी और अभी समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं ये सेशन हमें यहीं पर समाप्त करना होगा लेकिन जाने से पहले से हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे से पूरी नज्म बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए आप बने रहिए हमारे साथ ई विद्या चैनल्स पे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्टिव एक्टिव फोन इन सेशन के साथ हम हाज़िर होंगे जो कि साइंस के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं और एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग एन सी ई आर टी स्क्स बुक्स NCERT textbooks for the year 2023-24 are available throughout the country. And these textbooks may be purchased directly from NCERT sales counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kolkata and Guwahati. These sales counters will be functional on all the weekdays including all the gadgeted holidays, Saturdays and Sundays as well from 9.30 am to 6 pm. And if you want to order all those books uh, from Online, you can, you have to visit our website that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And in case if you want the PDF version of all those books, it can also be downloaded online for free from NCERT, Diksha, E. website and from our mobile app as well. Please visit our website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. With that note, me, Dheerunbhatt is taking your leave. Namaskar.